हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। हैशटैग स्मृति ईरानी ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसेंटली स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। नाराजगी जाहिर की है जब उन्हें क्रेडिट नहीं मिला है एक तस्वीर को कैप्चर करने का, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर के बारे में जिस तस्वीर को स्मृति ईरानी ने लिया है। इस तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा एक ही कतार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तस्वीर को लेकर अब उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल उन्होंने नाराजगी इसलिए जाहिर की है कि उन्होंने अखबार की एक कटिंग को शेयर किया है और इस कटिंग को शेयर करते हुए उन्होंने लिख दिया है कि फोटो उन्होंने ली और क्रेडिट ANI को मिल गया है और इसी तस्वीर के चलते उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनके कमेंट्स का जवाब देती हुई देखी जा रही है स्मृति ईरानी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। आखिरकार क्यों स्मृति ईरानी नाराज होती हुई नजर आई हैं? वेल, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्मृति ईरानी एक तस्वीर पर क्रेडिट ना मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर किया जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही कतार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यहां पर शिकायत की है इस तस्वीर को लेकर कि ये तस्वीर तो उन्होंने कैप्चर की थी लेकिन अखबार में क्रेडिट ANI को दे दिया गया है और इसी वजह से उन्होंने नाराजगी को जाहिर कर दिया है। महज कुछ ही देर में देखने को मिला कि स्मृति ईरानी के इस पोस्ट पर लगातार कमेंट्स आती हुई नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी ने अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। आप देख रहे होंगे इस रिपोर्ट में जहां एक तरफ स्मृति ने एक इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था एक दिन पहले मेरा परिवार #, भाजपा परिवार और साथ में हाथ जोड़ते हुए इमोटिक भी शेयर किया, लेकिन दूसरे ही पल में देखने को मिला कि ये तस्वीर अखबार में छपी हुई नजर आई और उस तस्वीर को देखने के बाद स्मृति ईरानी ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। वेल, इसके बाद देखने को मिला है कि स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया और इसी दौरान देखने को मिला है कि यूजर्स भी उनके इस पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वो तमाम ट्वीट्स। एक यूजर ने लिख दिया है कि कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। जी हाँ, यहाँ पर स्मृति ईरानी की इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने ये बात कह डाली है। मेजर सुरेंद्र पुनिया ने हिंदी में लिख दिया है ये तो सरासर गलत बात है, आप साधारण नागरिक होते हुए एक ऐतिहासिक फोटो की क्रेडिट ले रहे हैं और उधर राजकुमार राजकुमारी ने एक ऐतिहासिक पार्टी फूंक दी पर फिर भी आज तक क्रेडिट नहीं लिया। स्मृति ईरानी इशारे समझ रही और उन्होंने इतना लिख दिया कि सर आप मेजर हैं, आपसे माइनर बातों में क्या उलझना। वहीं दूसरी ही तरफ प्रसाद कारवां लिखते हैं यू जॉइंट ANI और यहां पर लाफिंग इमोटिक शेयर कर दिया है। स्मृति कहती हैं कि बस अब यही रह गया है जीवन में और यहां पर इमोटिक भी शेयर कर दिया है। वहीं प्रफुल्ल MBA चाय वाला लिखते हैं जंतर मंतर पर धरना देंगे हम सब अब और लाफिंग इमोटिक शेयर कर दिया है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि चलो और यहां पर
और स्मृति ईरानी ने लिख दिया है कि चलो, और इस तरीके से स्मृति ईरानी भी मजेदार अंदाज में जवाब देती हुई देखी गई हैं। प्रसाद ने यहां पर ANI ज्वाइन करने को लेकर बात की और उन्होंने ये जवाब दे दिया। स्मृति ईरानी ने यहां पर अधिकारियों की सवालों के जवाब भी दिए हैं। रईस पठान बोल पड़े हैं कि स्मृति जी स्मिता प्रकाश के बीच दरार, और वह कहती हैं कि मेरे अधिकारों को कैसे हड़पा गया, 9 बजे का डिबेट इस पर हो, और उन्होंने ANI को भी टैग कर दिया है। इस तरह से स्मृति ईरानी इस तस्वीर को लेकर अपनी बात लिखती हुई नजर आई हैं। वेल, स्मृति ईरानी का ये मजेदार पोस्ट काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ही तरफ एक यूजर ने अखबार की उस कटिंग को शेयर किया है जिसमें स्मृति कैप्चर करती हुई नजर आ रही हैं उस तस्वीर को, और सृष्टि लिखती हैं उसे शेयर करते हुए, इस बात का सबूत मैंने खींचा है, और यहाँ पर इमोटिक भी शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना इस तरह से सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मृति ईरानी के इस मजेदार पोस्ट को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ से।